दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से एमसीडी चुनाव में तमाम दिग्गज उतरे हैं। बीजेपी दिल्ली की गलियों में मेगा शो भी कर रही है। हम आपको दिखाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। दरअसल बीजेपी चाहती है कि एमसीडी के चुनाव में एक बार फिर से वो बाजी मार ले, जबकि आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल हो जाए। जो भारी जनसैलाब किस तरीके से देख रहे हैं एमसीडी चुनावों को? देखिए, जनता में बहुत उत्साह है। जनता एमसीडी में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाना चाहती है और हम इस चुनाव में के माध्यम से केजरीवाल की सरकार के कुशासन को, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और कुशासन के साथ साथ दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है उसको भी उजागर करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी को भी फाइनेंशियली क्रिपल करने की कोशिश की है, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से उसको दबाने की कोशिश की है और दिल्ली की जनता के विषयों को दबाने की कोशिश की है, उसको भी उजागर करेंगे। जनता में बहुत अच्छा हमको रिस्पांस और उत्साह दिख रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इस प्रचार के माध्यम से आज हम डबल इंजन लाएंगे, आगे चलकर ट्रिपल इंजन लाएंगे। सर, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि पूरी बीजेपी आज सेना जो है वो दिल्ली की सड़कों पर उतारने जा रही है, इनसे बचने की जरूरत है दिल्ली की जनता को। ऐसा है कि हम हमेशा चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। वो गए थे उत्तर प्रदेश में, 350 में 349 सीटें जमान जब्त करा के आए हैं। उत्तराखंड में 69 सीटों में 65 सीटें जमान जब्त करा करके आए, गोवा में 39 सीटों में 35 सीटों में जमान जब्त करा करके आए हैं, हिमाचल में 67 की 67 सीट में जमान जब्त होगी और यहाँ हम उनके जो काले कारनामे हैं, भ्रष्टाचार का जो रवैया है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। सत्येंद्र जैन का एक वीडियो जो वायरल हुआ है बहुत तेजी के साथ जेल के अंदर, देखा ही है, जनता उनका अच्छे से मसाज करेगी। क्या लगता है कि क्या बीजेपी कितनी सीटें इस बार अच्छी मार्जिन लेगी? आगे चल के नंबर भी बताएंगे। चलिए, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देख सकते हैं बड़ी तस्वीरों में लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं।